हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। नाउ मैंने थोड़े दिन पहले कोर्स टू स्टार्ट किया था, तो कोर्स टू के ही अगले टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैंने इससे पहले प्रीवियस वाले टॉपिक में आपको यूई पढ़ा दिया है, इससे पहले आरटीई पढ़ा दिया है मैंने, और सर्व शिक्षा अभियान भी पढ़ा दिया। तो आप प्लीज़, अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है कोर्स टू से रिलेटेड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। नाउ आज का जो टॉपिक है, एजुकेशनल स्कीम्स फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ओके, एजुकेशनल स्कीम क्या है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, हम शिक्षा के संदर्भ में इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें किसके किसके कंटेक्स्ट को लेंगे, वुमेन्स को लेंगे, गर्ल्स को लेंगे, दलित, दलित आपको पता है कि एससी एसटी और ट्राइबल पीपल एसटी। ठीक है, दलित में एससीज वगैरह आ जाते हैं और ट्राइबल पीपल एसटी। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में उन लोगों की बात करेंगे जिनका क्या मतलब है कि वो शिक्षा से वंचित हैं। ठीक है, डिप्राइव्ड है, एक तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन ऑफ द डिप्राइव्ड है ना, वंचित वर्ग की शिक्षा की बात की जा सकती है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे वो बात की जा सकती है कि सोसाइटी में वो लोग जो रह रही हैं, जो सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, उनको हम अपनी कम्युनिटी में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, स्पेशली इसमें गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं। ठीक है, गर्ल्स ऑब्लिक वुमेन्स और द एस सी एस टी हैं। तो इसके लिए क्या क्या प्रोविजन बने हैं शिक्षा में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, क्या क्या प्लान बनाए हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन दी है, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं एजुकेशनल स्कीम। तो आपको पता है कि शिक्षा सिद्धांत जो बनेंगे और कुछ जो प्रोग्राम बनेंगे, स्कीम का मतलब बहुत सारे प्रोग्राम जिनको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, किसके लिए, किस पर्पज इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि शिक्षा में सुधार हो और हमारी सोसाइटी ग्रो करे, अपलिफ्ट करे, है ना, ऊपर की तरफ बढ़े। मार्जिनलाइज्ड यहां पे समझते हैं कि मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, मार्जिनलाइज्ड का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस उन लोगों के लिए है जिनको, जिन पीपल को हम अपनी सोसाइटी से क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हटा देते हैं, जिनको हम कंसीडर नहीं करते। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि वो पीपल जिनको हम अपनी सोसाइटी में कंसीडर ही नहीं करते हैं, उनको एक मार्जिन बना दिया है कि वो हमारी कम्युनिटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक तरीके से देखेंगे हम सोशल एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि उनको सामाजिक तौर पर बाहर कर देते हैं, उनको अपने साथ पार्टिसिपेट या इंटीग्रेट नहीं कराते हैं, तो उन पीपल को हम मार्जिनलाइज्ड पीपल कहते हैं। और इनमें कौन कौन आ गई, वुमेंस आ गई। वुमेंस तो देखा जाए माइनॉरिटीज में भी आ जाती हैं, लेकिन आनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स का नंबर बहुत ज्यादा है और हम उसे माइनॉरिटीज में कंसीडर कर रहे हैं। माइनॉरिटीज में हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि उसकी उनकी कंडीशन बहुत खराब है ना। अगर वुमेन्स हैं भी अर्बन एरिया में और रूरल अर्बन एरिया तो फिर भी बेटर है एजुकेशन के मामले में, बट रूरल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो रूरल एरिया में जो लड़कियों की कंडीशन है और जो औरतों की कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। औरतें हैं तो वो पढ़ नहीं रही हैं, ठीक है, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है, इवन उनकी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी बात नहीं की जा रही है। तो हमने यहाँ पे कोशिश की है कि मार्जिनलाइज ग्रुप का डेफिनेशन या मीनिंग क्लियर हो आपको कि हम उसे अपने साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उसे सोसाइटी में बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और एक तरीके का ये प्रोसेस है देखा जाए तो। और आप ये भी बोल सकते हैं कि मार्जिनलाइज ग्रुप में आ क्या सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी आ सकते हैं ना, बहुत सारे ग्रुप का पीपल हो उनको भी हम सोसाइटी से कैटेगराइज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। फिर सेक्शन ऑफ पीपल, सेक्शन का मतलब है यहाँ पे कास्ट के हिसाब से हम सेक्शनिंग कर सकते हैं, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, है ना, बहुत सारी चीजें हो गई जिनके बेसिस पे हम उनको डिनाई कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी के बेसिस पे हो गया, कम्युनिटी भी वही है कि मान लीजिए पढ़े लिखों की कम्युनिटी अलग बन गई है, ठीक है, उनका कम्युनिटी ऊपर है, और जो कम पढ़े लिखे हैं, जो डिप्राइव्ड पीपल हैं, जो हर तरह की फैसिलिटी से मतलब अननोन है, उनको मिलती नहीं है और वो हो नहीं पा रहे हैं, तो वो नीचे आ गए हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको मार्जिनलाइज ग्रुप का मतलब क्लियर हो गया होगा। अभी हम बात करते हैं कि इसके रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 46, देखिए हमारा आर्टिकल 46 ये कहता है, देखिए हम बात करते हैं हमारा आर्टिकल 46 क्या कहता है। हमारा आर्टिकल 46 यही कहता है, ठीक है, स्टेट, द स्टेट शैल प्रमोट विद द स्पेशल केयर, स्टेट प्रमोट करता है उन लोगों को एजुकेशन के लिए और उनके इकोनॉमिक मतलब इंटरेस्ट को अच्छा करने के लिए जो वीकर सेक्शन वाले पीपुल हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नहीं क्लियर हुई है, ये आर्टिकल यही कह रहा है कि जो आर्टिकल 46 है उसमें जो एस सी एस टी कास्ट के बंदे हैं तो उनको जो सोशली वीकली इकोनॉमिकली वीक हैं, वो सोशली वीक हैं, ठीक है, वो सोसाइटी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए जाएं जिनसे वो अपने आप को ऊपर उठा सकें, ठीक है, ताकि उनको प्रॉपर शिक्षा भी मिल सके
और शिक्षा लेकर अपने आप को वो अपलिफ्ट या ग्रो करा सके सोसाइटी में और थोड़ा सा इंटीग्रेट कर सके जिस तरीके से उनको बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। तो और जो उनके साथ सोसाइटी में अन्याय हो रहा है या एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हो रहे हैं, तो वो शोषण, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए, तो हम हैं तो हम अपने नीचे वाले बंदे को क्या करते हैं, डिप्रॉइव करते हैं ना, हम ये नहीं चाहते हैं कि ये बंदा हमसे ऊपर जाए। ये भी एक तरीके का क्या है, मार्जिनलाइज है, मार्जिनलाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम तीन चार लोग मिलकर बात कर रहे हैं और सपोज आपकी कम्युनिटी का कोई बाहर का बंदा आ गया है, कोई बाहर का मेंबर आ गया, तो आपने उसे बोल दिया कि कीप अवे फ्रॉम दिस ग्रुप, यानी कि तुम इस ग्रुप से बाहर जाओ, तो आपने उसे तो पहले ही मार्जिनलाइज कर दिया। एक ये भी एग्जांपल है। तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब यहाँ पे केवल एससी एसटी और उन सब चीजों से नहीं है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो एजुकेशन स्कीम के पर्पज से पढ़ना है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होता क्या क्या है और उनमें किनको किनको कैटेगराइज किया गया है। मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि सिंपल से आपको डिराइव कर सकूं कि हाँ मार्जिनलाइज का मतलब क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। और आर्टिकल 46 यही कहता है कि जो हमारा सोशली वीकली स्ट्रॉन्गर, मतलब सोशली वीक है, इकोनॉमिक तरीके से वीक है, ठीक है, तो उन वुमेन्स को या उन वंचित वर्ग के बंदों को जो सोसाइटी से किसी तरीके से भी लाभ नहीं मिल रहे हैं और उनको अन्याय हो रहा है या उनका जो शोषण हो रहा है उनको खत्म करने के लिए ये आर्टिकल 46 बना था हमारा, ठीक है। तो आर्टिकल 46 यही सारी बातें कहता है और ये उसके बारे में था। तो अभी हम पढ़ते हैं कि इसके आगे का कंटेंट क्या है, आर्टिकल क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहला देखिए हमारा है इसके रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 330, 332, 335 एंड 342 एंड एंटायर जितने भी फिफ्थ सिक्स शेड्यूल बनते हैं ना आर्टिकल 46 की, सारे सेट आपको स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं और स्पेशल प्रोविजन को बना के अपने प्लांट को, अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 46 के फोर्थ सेट में ये सारी चीज़ें कही गई हैं कि हम एससी एसटी के रिगार्डिंग क्या बात करें, उसमें वुमेन्स के बारे में क्या बात करें, जो दलित वर्ग है, जो शिक्षा से वंचित है, मान लीजिए वो इकोनॉमिक तौर से भी वंचित है, ठीक है, उसको शिक्षा भी नहीं मिल रहा, ये मान लीजिए इसमें डिजेबल्ड भी आते हैं, आई थिंक जो विकलांगों की शिक्षा है उसमें ये भी आते हैं, विकलांग भी एक तरीके से देखा जाए तो डिप्रॉइड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिजेबल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेशली वुमेन्स की बात कर रहे हैं और एससी एसटी की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 46 के फोर्थ सेट में ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे बन जाते हैं, प्लान्स तो बहुत सारे बन जाते हैं, बट वो प्लान अच्छे से बन जाता है, ये भी हो जाता है संसद में बिल भी पास हो जाता है और ये भी हो जाता है कि हाँ ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वो प्लांट एज इट इज इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है। इसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आज के डेट में हमारे सोसाइटी में डिसएडवांटेज पीपल बहुत हो गए हैं, ठीक है, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, कम्युनिटी के बेस पे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशियोलॉजिकल इनइक्वालिटी है। अभी तक इतनी कैटेगरी हो गई है, मान लीजिए इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस भी देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में क्या था, इनइक्वालिटी थी, है ना, असमानता थी, जहां पे मेल और फीमेल को सेम कैटेगरी में नहीं देखा जाता है। और आज की डेट में भी देखिए हर जगह ये है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है ना, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन बहुत है कि वो मेल है तो ये काम कर लेगा, फीमेल है तो ये काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आज की डेट में भी खत्म नहीं, तो इसको सबसे बड़ा रीजन क्या है यहाँ पे, ड्रॉबैक यही है कि प्लान तो बहुत बन गए, ऑब्जेक्टिव तो बहुत बन गए, लेकिन हम उनको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको इंप्लीमेंटेशन में लाया जाए, आखिर प्लान बनाया गया है तो उसको सक्सेस भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो सोशली वीकर सेक्शन है, ठीक है, इनके लिए बहुत सारे प्रोविजन बने बेनिफिट होने के लिए, ताकि और इनको रिजर्वेशन भी दिया गया कि मतलब इस तरीके से रिजर्वेशन मिले ताकि ये कम से कम प्राइमरी एजुकेशन को तो ले सकें फ्री, ठीक है। और सोशली वीकर सेक्शन जो है इनके लिए प्राइमरी के, इनके लिए हायर मिडिल सारी एजुकेशन एक तरीके से फ्री देनी चाहिए और कहीं ना कहीं रिजर्वेशन देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, आगे प्रोविजन में हम पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर द सम गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम फॉर द एजुकेशनल बेनिफिट फॉर गर्ल्स। स्पेशली गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम और प्रोग्राम बनाए थे किसके लिए, जो गर्ल्स हैं उनके लिए और वुमेन्स हैं, और उनमें भी कौन है, जो एस सी एस टी वाले हैं और जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, ठीक है। तो इनके लिए बहुत सारे प्लान बनाए थे। सबसे पहले देखिए किसने क्या बनाया, डीपीईपी। डीपीईपी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रोग्राम बनाते हैं उनको हम लोग डीपीईपी कहते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब क्या था, इन्होंने इस ग्रुप को, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, जो कि एस सी थे और वुमेन्स वगैरह थे, तो उनको इन्होंने डिसएडवांटेज ग्रुप बोल दिया। डिसएडवांटेज ग्रुप इन द सेंस कि मतलब पूरी तरीके से ये वंचित हैं, है ना, है ही नहीं है, इनको मतलब वो कर दिया। तो इनके लिए क्या किया उन्होंने, दीज आर द स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉर द गर्ल्स, ठीक है। इन्होंने स्पेशली क्या किया, जो एस सी एस टी वाली गर्ल्स थी, वुमेन्स थी, उनको, उनके लिए एक फिजिकल टारगेट फिक्स किया कि इनको एक सेम मैनर में पढ़ाया जाए और कम से कम जो मतलब सोसाइटी हम लोग पकड़ते हैं या वो एरिया पकड़ते हैं जहाँ पे इनका कैटेगरी बहुत ही खराब है, इनकी कंडीशन बहुत ही खराब है, जहाँ पे गर्ल्स को बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको अलाउ नहीं किया जाता है पढ़ाई, उनके घर के काम, उनको घर के कामों में बिजी कर दिया जाता है। तो डीपीपी ने ये कोशिश की
कि कम से कम एक प्रॉपर मैनर में हम इन सबको एरिया को कवर करें, है ना, जो डिप्राइव्ड पीपल हैं या जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जिसमें SC ST गर्ल्स आ गई, वुमेन्स आ गई, है ना, और भी वंचित लोग हैं जो आ गए, जिनको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उनको कैटेगराइज करिए, और उनको कैटेगराइज करा करने के बाद ये कोशिश की कि उनको कैसे सोसाइटी में ग्रो कराया जाए, है ना, कैसे ऊपर कराया जाए। तो ये तो DPEP का काम था, ठीक है। DPEP ने और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो DPEP अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाई न्यूपा, न्यूपा क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। ये नेशनल लेवल पर क्या करती है, यूनिवर्सिटी के लिए प्रोग्राम बनाती है, ठीक है, जो DPEP को सेंड करती है, ठीक है। तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो DPEP के पास मतलब 60% से जो ज्यादा स्टूडेंट है वो क्या है, SC ST कम्युनिटी के हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा, यानी कि सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है उसका 60% पार्ट मतलब DPEP कंडक्ट कर रही है, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम और स्कीम बना रही है जिससे SC ST वाले लोग शिक्षित हो सके, ठीक है। दूसरा है हमारा महिला समाख्या। महिला समाख्या का काम क्या है, महिला समाख्या देखिए ट्रेडिशनल तरीके से ये कोशिश करता है कि जो जेंडर इम्बैलेंस है, यानी कि जो जेंडर इक्वालिटी भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे इसे, है ना, जो ये हमारा जेंडर इक्वालिटी है इसको खत्म किया जाए। तो आपको पता है कि ये जेंडर इक्वालिटी कैसे खत्म होगा, बाय द एजुकेशन, है ना, बाय एजुकेशन, बाय एजुकेशन, जैसे EFA। अब यहाँ पे EFA का मतलब क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल। तो हम जेंडर इक्वालिटी कैसे खत्म कर सकते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल मतलब हम सभी को शिक्षा देने की बात अगर करेंगे तो कुछ हद तक ये चीजें कम होंगी, है ना, EFA, एजुकेशन फॉर ऑल। तो हम यहाँ पे यही बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। महिला समाख्या का भी यही काम था कि जो उसके रिगार्डिंग वो स्कूल खोलते थे सोसाइटी में, इट इन्वॉल्व्स इन हैविंग वुमेन एजुकेशन, ठीक है। तो स्पेशली फ्रॉम सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थे उनको इन्होंने पता किया, उनको खोजा और उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश की, ठीक है। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं था, ठीक है, सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशनल के बारे स्ट्रगल हो रहा था, उनका सर्वाइवल करना बहुत दिक्कत हो रहा था। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने कवर करके जो इन्होंने स्कूल खोले थे उसमें इन लोगों को एडमिशन दिलाया। तो महिला समाख्या का काम यहाँ पे ये था कि जो ग्रुप से वंचित वर्ग हैं या जो लड़कियां हैं उनको पता किया जाए और उनको कैटेगराइज किया जाए ताकि उनको अच्छी शिक्षा देकर, एटलीस्ट एजुकेशन फॉर ऑल में अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन तो बिल्कुल फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है, 21A, 21A alpha, ठीक है। और ये जो है आज की डेट में फंडामेंटल राइट हो गया है। तो आपको पता है कि कम से कम उनको प्राइमरी एजुकेशन तो फ्री में मिल सके। तो महिला समाख्या का यही वर्क था कि जो डिप्राइड पीपल हैं उनको कैटेगराइज किया जाए, उनको स्पेशली एक जगह इकट्ठा किया जाए और कोशिश की जाए कि जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या जो उनकी प्रॉब्लम है उनको लिया जाए, वो सोशल कस्टम को जो फॉलो कर रही है, उनको जो स्ट्रगल हो रहा है, वो रहने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारी चीज़ें खत्म करके एम्पावरमेंट को आगे लाया जाए। तो ये जेंडर इक्वालिटी तो हमारी सोसाइटी में आज की डेट में है, ये मेल और फीमेल सेम नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तीसरा जो है हमारे पास, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। तो NPEGEL, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, यानी कि हमने नेशनल स्कीम पे नेशनल प्रोग्राम बनाया किसके लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, वो भी किसकी, गर्ल्स की। कोशिश की गई है कि जो NPEGEL है इन्होंने बहुत सारी स्कीम को बनाया, इसकी स्कीम के तहत उन्होंने SSA को भी जोड़ा उसमें, SSA मीन्स सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कंपोनेंट को प्रोवाइड किया, प्रोवाइड्स द एजुकेशनल कंपोनेंट फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स अंडर द यानी कि जो गांव में लड़कियां रह रही हैं, जो डिसएडवांटेज गर्ल्स हैं, ठीक है, और जो मतलब उनका लेवल अच्छा नहीं है, वो बहुत ही मतलब बुरी तरह कंडीशन में रह रही हैं, तो उन कंडीशन को बेटर करने के लिए SSA की स्कीम जो थी उससे काफ़ी हेल्प मिला था। SSA तो पता ही था आपको कि सर्व शिक्षा अभियान था, सभी को पढ़ाने के लिए बात की गई थी इसमें, सभी को पढ़ेंगे तो सभी बढ़ेंगे, तो एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई थी। तो ये NPEGEL ने ये काम किया स्पेशली गर्ल्स के लिए कि जो गर्ल्स पुरानी गांव में रह रही हैं या जो भी डिसएडवांटेज हैं वो किसी तरीके से भी मतलब फुलफिल नहीं है, अपनी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर सकती, तो उनको पकड़ कर उनको एक जगह कैटेगराइज किया जाए और SSA के थ्रू उनको कम से कम प्राइमरी एजुकेशन फ्री दी जाए। नेक्स्ट है हमारा, द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द एलिमेंट्री बैकवर्ड ब्लॉक्स। ये जो स्कीम बना गया था इसके जो ऑब्जेक्टिव बने थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने जितने भी एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स थे, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स वो ब्लॉक हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित है कि वो अपना सिर्फ खाना पीना ही देख लें उनके लिए बहुत बड़ी बात है, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फैसिलिटी नहीं मिलती है तो वो अपने आप ही क्या होता है, फैसिलिटी से वंचित हो जाता है और अपने आप को ग्रो भी नहीं करा पाता है सोसाइटी में, जब वो सोसाइटी में ग्रो नहीं करा पाएगा तो शायद सोसाइटी में रह भी नहीं पाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं डिप्राइव्ड पीपल, ठीक है, देखा जाए तो ये जो EBB है, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, ये बनाए गए और ठीक है कोशिश की गई कि इस स्कीम को यहां पे इंप्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट है हमारा, वेयर द लेबल ऑफ रूरल फीमेल, जो
जो फीमेल का लिटरेसी रेट है अगर देखा जाए गांव की औरतों में, तो वो जेंडर गैप की वजह से बहुत ही खराब है। अगर देखा जाए नेशनल एवरेज जो हमारा है वो 5% से भी कम है, ठीक है, जो ये डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक बने हुए हैं। तो इनको जेंडर गैप को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से हमने प्राइमरी एजुकेशन को फ्री कर रखी है, ठीक है। अगर आज की सर्वे की सेंसस की बात कर सकते, तो आप खुद ही कंडीशन देखिए कि 1991 की सेंसस सर्वे के हिसाब से जो हमारा फीमेल लिटरेसी रेट था वो कितना है, 10% से भी कम हो गया। 1991 की बात है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेयर एससी एसटी फीमेल लिटरेसी इज बिलो 10% बेस्ड ऑन द 1991 सर्वे। यानी कि 1991 का जो सर्वे था उसमें जो हमारा निकला है ओवरऑल एस्टिमेट 10% से भी कम है इंडिया प्राउड पीपल के। तो आप सोच सकते हैं कितनी खराब कंडीशन है ना। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट में हमने ये देखा था कि जो शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट का काम क्या था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की ये बात करते हैं। पहली बात तो यूईई की देखा जाए तो जैसे इससे पहले वाले बता जैसे एनपीई की बात की हमने, तो जो नेशनल प्रोग्राम गर्ल्स के लिए बना था एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान का सपोर्ट लिया। इसी तरह शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट जो बना था इन्होंने यूईई का काफ़ी सपोर्ट लिया। तो इनका एम क्या था कि यूनिवर्सल लेवल पर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन को क्वालिटी के साथ दे सके, और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन रिमोट एंड एरिड द सोशियो इकोनॉमिकल बैकवर्ड, जो ये सोसाइटी से इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग थे उनके लिए जो कि गांव में रह रहे थे प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया गर्ल्स को और वुमेंस को, ठीक है। तो इनका प्राइमरी अटेंशन यही था कि जो गांव की लड़कियां हैं और जो औरतें हैं उनको यूयूई के माध्यम से हम प्राइमरी एजुकेशन फ्री दे सके, इनका मेन वही था मोटो, ठीक है। तो इट इज़ द नोटवर्दी दैट इज़ द शिक्षाकर्मी स्कूल, बहुत सारे शिक्षाकर्मी स्कूल्स खुले थे, तो वहाँ पर कोशिश की गई थी कि हम जो एससी एसटी वाली और ओबीसी वाली गर्ल्स हैं और वुमेंस हैं उनको यहाँ पर लाकर एनरोल कराएं, जिससे हमारा प्राइमरी एजुकेशन का लेवल थोड़ा सा सुधर सके, ठीक है। तो ये बात हुई थी शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट का। नाउ नेक्स्ट है हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या था, स्पेशली ये गर्ल्स के लिए थी, गर्ल्स का यहाँ पे पढ़ भी सकती थी और ये एक तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल्स था कि पढ़ने के साथ साथ वहाँ पे वो रहेंगी भी, ठीक है। तो अंडर द स्कीम ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स आर बींग सेटअप इन द डिफिकल्ट एरियाज, बहुत मुश्किल होता है कि बोर्डिंग फैसिलिटी दी जाए एलिमेंट्री लेवल पर, लेकिन कोशिश इसलिए की गई थी क्योंकि अगर प्राइमरी एजुकेशन ही हमारी सोसाइटी में रन नहीं करेगी तो हम आगे की तो बात कर ही नहीं सकते, आगे की शिक्षा को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बिलोंगिंग प्रीडोमिनेंटली टू द एससी एसटीज एंड ओबीस एंड माइनॉरिटीज, इसमें जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय बना था ये क्या होते थे, दूर दराज एरिया में होते थे जहां पे एक तरीके से देखा जाए तो गांव में ही बनते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए थे जो सोशली वीक लोग थे सोसाइटी से, जो जिसमें एससी एसटी आ गए, वुमेन्स आ गए, गांव की वुमेन आ गई, लड़कियां आ गई और माइनॉरिटीज पीपल आ गए, यहां पर आकर शिक्षा ग्रहण करते थे, उनकी फीस बिल्कुल नहीं ली जाती थी और उनको रहने का भी स्थान दिया जाता था, वहां पर रेजिडेंशियल वहां पर रूम्स और क्वार्टर्स बना दिए जाते थे कि जो भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ने आएगा पढ़ाई के साथ साथ यहां पर वो रह भी सकेगा, ठीक है। इसका पूरा खर्च वो कौन उठाएगा, वॉलंटियर्स उठाएंगे जो कस्तूरबा गांधी के हैं, जो वहां की कमेटी है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वोट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमंग दीज ब्लॉक्स स्कूल्स में भी सेटअप इन द एरिया ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल, मतलब वहां पे जहां पे ट्राइबल पीपल मिल रहे हैं वहां पे ही कोशिश की गई थी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को खोला जाए जहां पे एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और कोशिश ये की गई थी कि फीमेल लिटरेसी रेट को लार्ज नंबर पे बढ़ाया जाए और जितने भी इलिटरेट फीमेल हैं उनको यहां पे लाके एनरोल कराया जाए ताकि एनरोलमेंट के माध्यम से प्राइमरी एजुकेशन उनको फ्री में दी जा सके, ठीक है। तो ये कस्तूरबा गांधी का वर्क था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। नेक्स्ट है हमारा जन शिक्षण संस्थान। जन शिक्षण संस्थान से समझ रहे हैं कि शिक्षा कहाँ कहाँ तक, जन जन तक पहुंचाना। द स्कीम ऑफ जेएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीपल एजुकेशन और मल्टी फैकल्टीज क्रिएट, ठीक है, एडल्ट एजुकेशन। इन्होंने कोशिश की कि जो मतलब जो हमारे सोसाइटी के प्रौढ़ लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, उनके लिए कुछ ऐसा एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाए ताकि वो अपने आप को या अपनी वोकेशनल स्किल को डेवलप कर सके, यानी कि अपनी व्यावसायिक शिक्षा को डेवलप करा कर क्या कर सके, अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा अर्न भी कर सके, ठीक है। क्योंकि वो देखिए अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो क्या कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, ठीक है, किसी के काम कर सकते हैं, तो किसी के अंडर में काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें ही आएंगे। तो इन वोकेशनल इसीलिए करा गया था कि जो एडल्ट एजुकेशन है, अगर एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम हम चलाते हैं, रात में प्रौढ़ों को शिक्षा देते हैं, तो वो उस शिक्षा से क्या करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपनी प्रतिभा को खोजेंगे, उसके बाद उनको जो वोकेशनल स्किल होती है उनकी इंप्रूव कराई जाएगी कि हाँ आप ये काम भी बेटर कर सकते हैं, कुछ नए नए आइडियाज़ दिए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट कराई जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाएगा और उसके क्या क्या बेनिफिशियल पॉइंट है। तो क्या होगा, जन शिक्षा जो मोटो था जन शिक्षा संस्थान का वो यही मोटो था कि हम जाकर ये काम दूर दूर तक फैला सके ताकि शिक्षा भी चले और वो अपने आप को वोकेशनली स्किल भी डेवलप करा सकें, ठीक है।
नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज एजुकेशनल, वोकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल. इनका जो मेन मोटो था कि एजुकेशन के माध्यम से ही ये वोकेशनल शिक्षा को, और ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल का मतलब यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा है, और ऑक्यूपेशनल का मतलब यहाँ पे कि वो कुछ व्यवसाय वगैरह कर सकें अपना, है ना. व्यवसाय वो तभी कर पाएंगे जब उनको किसी व्यवसाय के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, और नॉलेज चाहने के लिए आपको शिक्षित होना जरूरी है, ठीक है. तो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ब्लॉक जहाँ जहाँ बने थे वहाँ पे कोशिश की गई थी किस तरह के कैंप लगाए जाए, और जो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन है उनको पर्टिकुलरली, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, सेमी लिटरेसी रेट है, जैसे एससी एसटीज वगैरह होगी, वुमेन्स होगी और गर्ल्स होगी, इनको स्लम ज्वेलर्स मर करके पूरा जो माइग्रेट तरीके से वर्कर फैले हुए, एक तरीके से इसमें माइग्रेट वर्कर भी आते हैं जिसको प्रवासी मजदूर बोलते हैं, जो दूर दूर भटकते रहते हैं. किस लिए भटकते रहते हैं? क्योंकि उनको अपना रोजी रोटी चलाना होता है, उनको अपना फैमिली चलाना होता है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इसलिए वो दूर दूर जाकर शहरों में काम करते हैं जिससे उनका घर चलता है. तो जन शिक्षा संस्थान का यही मोन मोटो था. एक नेक्स्ट पढ़ते हैं मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील MDMS, आपको पता है मिड डे मील स्कीम भी क्यों लागू की गई थी, क्यों इंप्लीमेंट की गई थी? इसलिए कि प्राइमरी एजुकेशन का जो मोटो है कि सभी को शिक्षा मिल सके, एजुकेशन फॉर ऑल स्कीम को हम फॉलो कर सकें, तो मिड डे मील का प्रोग्राम चलाया गया था कि कम से कम मिड डे मील के माध्यम से ही प्राइमरी एजुकेशन के जो बच्चे हैं वो आएं और क्लास, मतलब स्कूल में एनरोल हों, पढ़ाई के साथ साथ उनको खाना भी दिया जाएगा. तो मिड डे मील इसीलिए कराया गया था ताकि कम से कम अपने खाने के लालच में ही वो बच्चे आएं और हम मैक्सिमम नंबर के बच्चों को एनरोल कर सकें, ठीक है. मिड डे मील का यही मोटो था, ठीक. इट कवर्स ऑल दी, मतलब ये क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया था. इट कवर्स द ऑल स्टूडेंट ऑफ द प्राइमरी क्लासेस इन ऑल गवर्नमेंट लोकल बॉडी, ठीक है. इसको जो ये लोग मतलब क्या करते थे, कवर करते थे, तो उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, लोकल गवर्नमेंट होगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी और हमारे देसी कंट्री, तो ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इसमें मिड डे मील प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, और कहीं ना हद तक काफ़ी सक्सेस भी हुआ है. बच्चे खाने के ही लालच में स्कूल आना शुरू कर दिए थे जिससे बच्चों का एनरोलमेंट प्राइमरी एजुकेशन के लिए काफ़ी बढ़ा, ठीक है. प्राइमरी क्या, मिडिल एजुकेशन के लिए भी मिड डे मील था. अगर एक स्कूल है हाई स्कूल तक है तो वहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम चलाया जा रहा था, और ये मिड डे मील इसीलिए चलाया गया था कि जो जिनको खाना नहीं मिल रहा है, पढ़ना लिखना नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ पे खाने के माध्यम से ही, खाने के ही लालच में यहाँ पर आए और अपने आप को पढ़ाई के साथ साथ एनरोल भी करें, पढ़े भी और खाएं भी. तो ये मिड डे मील का प्रोग्राम इसलिए बना गया था प्राइमरी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए. इसी में था इम्प्रूव द एनरोलमेंट, स्पेशली एनरोलमेंट को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था कि इसलिए कि उनकी अटेंडेंस प्रॉपर हो. अगर बच्चे ने क्लास वन में एडमिशन ले लिया तो वो रेगुलर रहे, प्रॉपर रहे, और वो अपनी कम से कम एक क्लास वन से लेकर क्लास एट तक की जो उसकी प्राइमरी एजुकेशन है उसको वो कंप्लीट कर सके, ठीक है. मिड डे मील का मेन फोटो यही था कि प्रोविजन कराया जाए. देखिए आप मिड डे मील आपको जब पढ़ाएंगे तो देखा जाएगा उसमें सबसे पहले एनरोलमेंट ही था, ठीक है. एनरोलमेंट के बाद उसकी अटेंडेंस की बात की हमने, और अटेंडेंस के बाद उसकी रिटेंशन, यानी कि बच्चा अगर 100 बच्चा एनरोल हुआ है, ठीक है, तो वो लास्ट तक रिटेन ही रहे, यानी कि 100 ही रहे, कमी ना हो किसी तरीके से. और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी ध्यान में रखा गया था कि मतलब खाना जो दिया जाए वो अच्छी क्वालिटी का दिया जाए, ये नहीं कि मिड डे मील स्कीम लगा दी है तो फ्री में देना है बच्चों को तो कुछ भी खिला देंगे, नहीं. इसके लिए गवर्नमेंट हमारी बहुत स्ट्रिक्ट है. अगर पता चलता है कि कोई भी स्कूल मिड डे मील के प्रोग्राम को अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर रही है, अच्छे से फॉलो नहीं कर रही है, खाने में कोई प्रॉब्लम है या मतलब कुछ भी मिलती है अनवांटेड चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज हुए थे मिड डे मील को लेके, लेकिन अब चीज़ें क्या हो गई हैं, थोड़ा सा अच्छी हो गई हैं, बेटर हो गई हैं स्कूल वाइज, एरिया वाइज, ठीक है. तो ये दैट इज मोर अबाउट द, हमने मार्जिनलाइज ग्रुप में 8-7 पढ़ लिए हैं, 7 स्कीम पढ़ ली हैं. इसके आगे की स्कीम हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. अगर आपको मार्जिनलाइज ग्रुप समझने में कुछ भी दिक्कत हुई तो बहुत आप मुझसे पूछ सकती हैं, वैसे बहुत ईजी टॉपिक है, आपको समझ के पढ़ने की जरूरत है. मैंने काफ़ी डिलिबरेट में डिटेल में पढ़ा दिया, आप लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट कर सकती हैं और शॉर्ट भी, ठीक है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लोगों तक पहुँचाएं, मेरी मेहनत को सक्सेस बनाएं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा.